साइलेंस, सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस हम क्यों यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके घर पे कोई सॉफ्ट पपी हो, कैट हो, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, तो हमने उसके लिए ये यूज किया ना सॉफ्टनेस। तो वो क्या दिखाया, हमने उसकी क्वालिटी दिखाई कि सॉफ्टनेस वो उसकी क्या है क्वालिटी। रूडली, रूडनेस क्या है, वो पर्सन का बिहेवियर है ना कि ये पर्सन काफी रूडली है, तो हम रूडनेस यूज करते हैं। ट्रूथ क्या है, सच्चाई वो क्या है, आपका जो आपकी क्वालिटी है, पर्सन की क्वालिटी है कि ये ट्रूथफुल पर्सन है। तो जब आपको कोई क्वालिटी है, कोई जहाँ पर आपको उसका इम्पेक्ट मालूम चलता है, उसकी फीलिंग्स आपको समझ में आती है थ्रू आउट दी सेंटेंस, विच अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जो पर्सन के मुताबिक जो चलता है, जो उसके बिहेवियर को दिखाता है, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में से फाइंड करने क्या करना है, अंडरलाइन करना। फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट सेंटेंस, गुड
चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रू, अच्छे बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं। इसमें देखो कौन सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो लास्ट में जो लिखा है ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, फर्स्ट जो ब्लैंक थी है ना आंसर में लिखो ट्रूथ, ट्रूथ आपका क्या है आंसर। एक्सरसाइज पेज नंबर 8 देन सेकंड, गांधी जी वाज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, गांधी जी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, ऑनेस्टी उनकी क्या है क्वालिटी, तो आपको वहां पे लिख लेना है ब्लैंक में अंडरलाइन करके। देन थर्ड वन, आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ द केक्स फर, केक्स के जो फर होते हैं मुझे उसकी सॉफ्टनेस पसंद है, सॉफ्टनेस प्राउड।
प्रिंसेस प्राउड, जिसको अपने ऊपर मैन से प्राउड क्या हो गया प्राइड। ऑलरेडी ये सब कुछ देखो नीचे ऑप्शन में दिया नहीं है, आपको सिर्फ उसको ढूंढना है और कुछ नहीं है। करेजियस सोल्जर, तो करेजियस के लिए देखो करेज दिया है। Thank you.
हम्टी डम्टी वो एक नाम है ना,